आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के सवालों को अब शो में शामिल करते हैं। मेरी पहली दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ भी गई हैं, रेणुका चंडीगढ़ से फोन लाइन पर हैं। रेणुका हाय, गुड इवनिंग। हां जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। चंडीगढ़ से हैं आप, वहाँ पे ठंड शुरू हो गई है क्या? अभी उतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी 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 थोड़ी। पोल्यूशन को लेके क्या स्थिति है, तकलीफ आपको हो रही है? मुझे तो नहीं हो रही, बट मे बी जो छोटे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा इश्यूज हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ख्याल रखिएगा आपके परिवार का भी और आपका भी। बहरहाल आपने अपना सवाल हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका। और SBI फोकस्ड, SBI स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मिरर इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस निफ्टी 50 आपके पास हैं, और आपने ऑलरेडी 20 लाख का कॉर्पस जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया है, लेकिन 2 करोड़ रुपये जो हैं आपको इकट्ठा करने हैं। और आपने ये जो फंड्स जमा किए हैं, आपने खुद रिसर्च की है रेणुका, आप ही का पोर्टफोलियो है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप कैसे रिसर्च करती हैं, कुछ बताइए ताकि बाकी दर्शक और खासतौर से महिला दर्शक आपसे कुछ सीख पाए। बिगिनिंग का जो फर्स्ट ईयर था तब मैंने किसी ब्रोकर के थ्रू किया था इन्वेस्ट। आप लोगों के शोज वगैरह देख के मैंने फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अपने आप से इन्वेस्ट करना शुरू करा। वेरी नाइस। तो चलिए, आप कब से निवेश कर रही हैं वैसे? 2018 ऑलमोस्ट 5 years होने वाले। बिगिनिंग में सिर्फ 10,000 पर मंथ था, फिर धीरे धीरे मैंने अब लास्ट 6 months से 30,000 पर मंथ करना शुरू करा है। 20,000 रुपए अगर आपको और बढ़ाने की सलाह दी जाए तो आप बढ़ा पाएंगी? 50,000, ओके। नहीं, अभी मैं 30 कर रही हूँ, 30,000 30,000 कर रही हैं आप, ठीक है। तो आपको कितने सालों में 2 करोड़ चाहिए? हो सके तो 15 years। 15 साल ना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए श्वेता, रेणुका 30,000 रुपये फिलहाल हर महीना निवेश कर रही हैं, और 15 साल में जैसा कि इन्होंने कहा है कि 2 करोड़ का इनका कॉर्पस का इकट्ठा हो सकता है। जी रेणुका जी, एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप ना ही SIP चालू की है 5 साल से, लेकिन आप उसे बढ़ाती गई हैं जैसे जैसे आपके पास फंड्स अवेलेबल थे। ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपने की है। पिछले 5 साल से आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रही हैं, तो जहां तक मैं समझती हूँ आपने एक कॉर्पस ऑलरेडी जमा कर लिया है, और अगर आप 30,000 हर महीने अगले 15 सालों के लिए निवेश कर रही हैं SIP के जरिए, तो इक्विटी से आप 12-13% की रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है, और इस रेट पे आपका जो लक्ष्य है 2 करोड़ अचीव करने का, वो आप आसानी से कर पाएंगी। बट मैं आपको फिर भी यही सलाह दूंगी, अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा है सेविंग्स, तो वो आप जरूर उसे भी निवेश कर लिया करें इक्विटी में, और तो 30,000 पे ना रुकें। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ रही है आप SIP का अमाउंट बढ़ाते चलें। और दूसरी चीज मैं आपके फंड्स के लिए भी आपको कहूंगी कि आपका काफी हद तक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। कुछ स्कीम्स जो आप चेंज कर सकते हैं, SBI फोकस इक्विटी फंड एक समय पे बहुत अच्छा फंड होता था, आज मुझे यहाँ थोड़ा साइज का कंसर्न है फंड पे, क्योंकि 30,000 करोड़ के ऊपर की फंड साइज हो गई है। दूसरा फंड जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एग्जिट करें, वो एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। ये प्योर डोमेस्टिक इक्विटी फंड नहीं है, इसीलिए मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। तीसरा फंड है एक आपके पास इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड में क्या हो जाता है कि आप एक बेंचमार्क को ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है फंड मैनेजर पे, और हमने देखा गया है कि जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो इंडेक्स फंड से बेहतरीन रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये 3 SIP है जो आप रोक सकते हैं, यहाँ पे जो पैसे आपने जमा किए हैं ये आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके जगह पे जो 3 नए फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, एक ICICI का डिविडेंड यील्ड फंड, और एक मैं आपको सलाह दूंगी आप एक क्वांट एक्टिव फंड कर लें। तो ये आपको लार्ज कैप एक्सपोजर भी मिल जाएगा इनसे, और थोड़ा बहुत का एक स्मॉल कैप एक्सपोजर भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा अगर आप ये क्वांट का एक्टिव फंड ले लेंगी। आपके पास एक स्मॉल कैप फंड ऑलरेडी है तो ये उसको इम्प्रूव करेगा। तो ये मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। अब श्वेता,
कुछ फंड सिलेक्शन फंड रिकमेंडेशंस पे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ. SBI फोकस्ड इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स, इन तीनों में से आपने कहा है कि ये निकल जाए. SBI फोकस्ड एक तरह का फोकस फंड है, हम सब जानते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है. अपने आप से एक्सपोजर वाइज देखा जाए तो इस फंड में काफ़ी ऐसी काबिलियत है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इसको लंबा रखें तो आपको ये बेहतरीन रिटर्न दे सकता है. फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपका जोखिम बढ़ जाए. तो यहाँ पर निकलने की सलाह क्यों आप दे रही हैं? पराग पारिक में इंटरनेशनल एक्सपोजर भले ही हो, वो एक तरह से बढ़िया ही होगा उनके लिए अगर वो ऐसे निवेशक हैं, बेहतरीन भी परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है. उसके एवज में क्वांट का एक्टिव फंड जो कि एक एक्टिव स्ट्रैटेजी हो जाएगी पूरी तरह से अगर लार्ज कैप में आप एंटर करना चाहते हैं. फिलहाल मौजूदा समय हो सकता है लार्ज कैप्स का हो, लेकिन अभी भी कितना दमखम है. पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है ताकि आप वॉलेटिलिटी से बचें, लेकिन निकलने के पीछे कोई ठोस वजह क्या है इन तीनों फंड्स में से? पहले फंड पे आते हैं. SBI का फोकस इक्विटी फंड, जैसे आपने कहा, कॉन्सेंट्रेटेड फंड है, बहुत बेहतरीन उसने रिटर्न्स दिए हैं. और यू नो, जो फंड मैनेजर भी है आज श्रीनिवासन, एक बहुत ही उमदा फंड मैनेजर है. जैसे मैंने कहा, आज जो इशू है फंड का, एक यू नो, वो 35,000 करोड़ के आसपास का फंड हो गया है. अब यही आप सोचे, अगर कोई स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, यू नो, हो सकता है कोई ऐसा स्टॉक है जहां 4% की एलोकेशन है. अब 4% की एलोकेशन अगर वो सही काम नहीं कर रही है आपके लिए, तो यू नो, आपको करीबन 1,200 करोड़ है जो निकालना है फंड में से. ये एक इमिडिएटली नहीं हो पाएगा फॉर द फंड मैनेजर टू चेंज. जो छोटी स्कीम अगर होती है तो वो उनको यू नो फायदा एक मिल जाता है कि अगर 200-300 है स्टॉक खरीदना बेचना है, वो आसानी से कर पाएंगे. तो जो उनका फायदा था ना, एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का जो उनको बेनिफिट मिल सकता है छोटी साइज में, वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जा सकता है. एंड इसलिए मैं थोड़ी कंफर्टेबल आज नहीं हूँ वो फंड के साथ. दूसरी, पराग पारिक, जैसे आपने कहा, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर है. हम यू नो पिछले सेगमेंट में डिस्कस कर रहे थे कि जो इंडिया की सिचुएशन है वो ग्लोबल इकोनॉमी से, यूएस से काफी बेहतर है. तो आगे जाके इंडिया के रिटर्न्स आप यू नो कंपैरिजन में यूएस या और मार्केट से बेहतरीन हो सकते हैं. सो मैंने जो सलाह दी है वो इसलिए पास्ट रिटर्न को देख के नहीं, काफी हद तक यू नो आपको पास्ट रिटर्न को प्रोटेक्ट करना है आपका. आगे जाके आपको कहाँ बेहतरीन पोटेंशियल मिल सकता है और उसको ध्यान में रखते हुए मैं रिकमेंडेशन दे रही थी. तीसरी फंड जो पैसिव फंड है, एक्सिस का जो निफ्टी है या कोई भी पैसिव फंड है, अगर हम डेटा देखें ना पिछले 5-6 साल की, तो ऑलमोस्ट 70% एक्टिव फंड्स आपको इंडेक्स से एक पॉजिटिव अल्फा या आउट परफॉर्मेंस देता है. तो इंडिया का मार्केट ऐसा नहीं है कि आज आप पैसिव में रहें. आप कुछ यू नो अगले 5-6 साल तक एक्टिव फंड्स में रह के वो फंड मैनेजर के एक्टिव मैनेजमेंट का फायदा उठा सकते हैं और यू नो 2-3% जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल सकती है इंडेक्स के ऊपर एक्टिव फंड में रह के, उसका फायदा आप उठा सकते हैं. यू नो इसीलिए मैं कहूंगी कि आप लार्ज कैप एक्सपोजर जरूर रखें आपके पोर्टफोलियो में. मैं कहूंगी 50% आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए, बाकी जो 50% है आप मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले लें. लेकिन वो लार्ज कैप एक्सपोजर आप इंडेक्स फंड के थ्रू ना लें. आप चाहें तो यू नो प्योर एक लार्ज कैप फंड हो गया या फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, या जैसे मैंने ICICI प्रूफ डिविडेंड डील कहा, ये भी यू नो 80% लार्ज कैप रहता है. तो इन कैटेगरीज के थ्रू आप वो एक्सपोजर ले सकते हैं. प्रूफ डिविडेंड, ICICI प्रूफ डिविडेंड यील्ड इक्विटी के बजाय कोई एग्रेसिव हाइब्रिड अपने पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रख सकती हैं? आई थिंक शी इज जस्ट 40 years old. ठीक है, कमाई का एक बेहतरीन मौका है, आप डिविडेंड यील्ड फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन उसके बजाय एक अग्रेसिव हाइब्रिड या एक लार्ज और मिड कैप, क्योंकि अभी भी इनके पास समय है रिस्क लेने का और बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं फंड्स के पोर्टफोलियो में. बिल्कुल बिल्कुल, ये यू नो जोखिम ले सकती हैं. ये इनके पास लंबा समय है, इन्होंने कहा 15 साल का समय है इनके पास निवेश करने के लिए. इनके पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो यू नो एक एसबीआई की स्मॉल कैप स्कीम है इनके पास. मिरे का जो इमर्जिंग इक्विटी फंड है वो ऑलरेडी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और यू नो तीसरा फंड कोटक इमर्जिंग वो मिड कैप ओरिएंटेड फंड है.
तो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफी अगर देखा जाए तो मैं कहूंगी 70 से 80% मिड एंड स्मॉल कैप है। उसमें थोड़ा सा जो हम स्कीम्स एग्जिट कर रहे थे वो लार्ज कैप ओरिएंटेड थी, तो इसीलिए लार्ज कैप फंड मैंने उनको रेकमेंडेशन दी थी इन्वेस्ट करने के लिए। अब आते हैं अग्रेसिव हाइब्रिड क्यों ना लें अपने पोर्टफोलियो में। अग्रेसिव हाइब्रिड प्योर इक्विटी नहीं होगा, वहां पे करीबन 60 से 70% इक्विटी है, बाकी डेट भी है। आज के समय में मुझे नहीं पता उनके पोर्टफोलियो में और कितना डेट है, क्या उन्हें और डेट की जरूरत है या नहीं है उनके पोर्टफोलियो में। क्योंकि जैसे अगर 15 साल का समय है तो उनके एज के हिसाब से आज के दिन में 75% भी वो इक्विटी रख सकती हैं। तो अगर उनकी और कुछ डेट चल रही है तो उनको फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की जरूरत नहीं है, फिर तो वो एक प्योर इक्विटी फंड के थ्रू ही आप निवेश कर लें। और डेट भी अगर आप देखें तो फिर आप प्योर डेट लेना चाहें तो आप सिर्फ प्योर डेट ले लें, वो आपको एक ज्यादा एफिशिएंसी आपके पोर्टफोलियो पे ले आ सकता है। रेणुका, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में आपको बदलाव करने की हम सलाह दे रहे हैं। कोई सलाह अगर आपसे छूट गई है तो YouTube पर हमारे शो को देख सकती हैं। मनिंदर मेरे साथ फोन लाइन पर काफी देर से रुके हुए हैं। नमस्कार मनिंदर सिंह, कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम, आप सुनाइए कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। SBI का स्मॉल कैप है आपके पास, SBI का एक कॉन्ट्रा है, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप है, पराग पारे का आपने फ्लेक्सी कैप रखा है, कोटक इमर्जिंग आपके पास है, ICICI का निफ्टी 50 भी आपके पास है। तो अब बताएं, आपको टॉपअप तो खैर करना ही चाहिए जब भी आपसे मुमकिन हो सके। टारगेट आपका 1 करोड़ है, कितने सालों में आपको ये राशि इकट्ठा करनी है? 15 साल की। 15 साल में ना, और कब से मनिंदर जी कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ये अभी 6 महीने से है। रिसेंटली लिए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, उसमें मैंने पूछा था जी जो फंड है मेरे सही हैं। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं आप। इंडेक्स फंड मैंने अभी लिया है, और एक इसके अलावा मैं 1.5 लाख रुपया PPF में डाल रहा हूँ हर साल। वो मैं PPF में डालना चाहिए जहाँ ELSS फंड में डालना चाहिए? ठीक है, PPF में भी आप डाल सकते हैं, पूरा EEE है वो, लेकिन उसके अलावा रिटायरमेंट के लिहाज से अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपके पास बेहतरीन विकल्प है। केवल टैक्स बचाने का आपका एक लौता नज़रिया है तो ELSS में भी आप पैसे डाल सकते हैं। हालांकि श्वेता बताइए, इनका पूरा फंड मिक्स और किस तरह से इनको अगर टॉपअप करना हो तो किस फंड में आप टॉपअप करने की सलाह देंगी? वैसे तो सभी में होना चाहिए, बट आपके मुताबिक रणनीति क्या हो? जी मनिंदर जी, पहले तो आपने जो ELSS की ऑप्शन आप पूछ रहे थे, PPF भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो वो जो 1.5 लाख आप डाल रहे हैं PPF में, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर इसके अलावा आपके पास कोई डेट नहीं है। इस समय मुझे नहीं पता आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी कितना है, डेट कितना है, इसीलिए PPF भी एक अच्छा विकल्प है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 25,000 की आपने कहा आप SIP कर रहे हैं हर महीने, अगर आप ये इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे अगले 25 सालों के लिए तो फिर आप 10 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। आई एम श्योर आप अपनी मैथ कर लें कि आपका जो लक्ष्य है 10 करोड़ से वो पूरा होगा या नहीं। तीसरी चीज, आपके फंड्स पे आते हैं, कुछ कुछ आपके फंड्स बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आपने टॉप अप करना है तो आप इन फंड्स में टॉप अप करें। कोटक का इमर्जिंग है, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, SBI स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है, लेकिन वहाँ फंड की खुद की रिस्ट्रिक्शन है तो आप शायद वहाँ और अमाउंट नहीं बढ़ा पाएंगे। बट ये जो दो स्कीम्स हैं इनमें आप टॉप अप कर सकते हैं। जैसे मैं पिछले व्यूअर को एक सलाह दे रही थी, मैं आपको भी वही सलाह दूंगी। कुछ स्कीम्स में जो इंडेक्स फंड है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जो पराग पारिक का फंड है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, मोतीलाल का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उससे बेहतरीन फंड्स अवेलेबल है मेरी राय में। तो वो एक तीसरी स्कीम मैं आपको कहूंगी कि वहां पे आप टॉप अप, ये 3 स्कीमों में टॉप अप ना करें। और जैसे जैसे अभी आपने जस्ट शुरुआत की है तो एग्जिट लोड को आप एक ध्यान में रखें, जब वो स्कीम्स एग्जिट लोड के बाहर हो जाए तब आप उन्हें रिकंसिडर करें, आप
चाहे तो तब यू नो एग्जिट लोड के बाहर हो जाए तब उनमें से एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्कीम्स जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं, इन्वेस्को का एक स्मॉल कैप फंड है, वो अच्छा फंड है, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ये यू नो कुछ और स्कीम्स हैं, और एक कोटक का मल्टी कैप। चार स्कीम्स मैंने आपको नहीं बताई हैं जिनमें आप और आपको अगर कुछ एडिशनल डालना है तो आप निवेश कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम्स हैं क्योंकि जो मैंने आपको सलाह दी एग्जिट करने के लिए वो काफी हद तक लार्ज कैप स्कीम्स थी। और राइट, चलिए श्वेता, इसी के साथ इस सेगमेंट को हमें यही समाप्त करना होगा, समय हमारे पास खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।